तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका और अपने YouTube चैनल मेक फॉर मनी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप Instagram की प्रोफाइल पिक्चर को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं आपको बिल्कुल भी आसान तरीका बता दूंगा कि किस तरह से आप Instagram की डीपी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके मोबाइल में गूगल ब्राउज़र है, वो चाहे यूसी ब्राउज़र हो या फिर आप क्रोम ब्राउज़र जो भी यूज करते हो, सिंपली आपको उसको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको सर्च बार में आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पर आपको एक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है instadp.com। तो यहाँ पर आपको लिखना है instadp.com नाम की इस वेबसाइट पर क्लिक चले जाना है। और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो दोस्तों फर्स्ट में आपको एक सर्च यूज़र नेम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में इस वेबसाइट में दोस्तों आपको ना तो Instagram की कोई भी आईडी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस पर्सन का यहाँ पर यूज़र नेम टाइप करना है जिसकी आप प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से कोई भी एक यूज़र के अपने Instagram अकाउंट से किसी भी एक यूज़र की यूज़र नेम आईडी देख लेते हैं और यहाँ पर हम सर्च करके आपको उसकी इमेज को डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो हम जैसे ही हम अपने Instagram अकाउंट में जाते हैं और यहाँ से हम किसी भी यहाँ पर ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो यहाँ पर हम लेते हैं द अमित बढ़ाना का। तो दोस्तों ये अमित बढ़ाने के हम यहाँ से इसकी जो यूज़र नेम आईडी है हम इसको हम उस वेबसाइट पर हम यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पर और जैसे ही हम अमित बढ़ाना यूजर नेम आईडी इसकी हमने टाइप की है, उसके बाद ये आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो इसने प्रोफाइल पिक्चर अपने Instagram अकाउंट पर लगा रखी है, सेम वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी नीचे। और उसके अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे इसका डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही इसके फ़ोटो के नीचे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये फ़ोटो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। और दोस्तों जैसे ही आप इस फ़ोटो पर टैप करेंगे एक सेकेंड तो उसके बाद आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और उस पर क्लिक करते ही ये फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और कोई भी डाउट हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।